नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रविवार सुबह इंदौर पहुंचे। यहां कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला द्वारा आयोजित भगवान भोलेनाथ के महारुद्र अभिषेक में शामिल हुए। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को हनुमान प्रतिमा और गदा भेंट की। इसके बाद एडिसन होटल में शहर महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की अहमियत कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने कमलनाथ से पूछा, अगर कांग्रेस सरकार आई तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? तो कमलनाथ ने कहा, अगर मत लाइए, सरकार तो आएगी ही। इतना सुनते ही कांग्रेसियों के साथ मौजूद महिलाएं भी ढाके लगाने लगी। कार्यक्रम में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कन्हैया कुमार और शुभा ओझा ने महिलाओं के सवाल के जवाब दिए। स्किल और ट्रेनिंग के सवाल पर जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा कि जब भी मौका मिले हमारे छिंदवाड़ा के मॉडल को देखने आइएगा। वह देश में एक मॉडल है जहां स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर सबसे अच्छा काम होता है। कमलनाथ ने आगे कहा कि मैं सरकार की बनाई योजना पर भरोसा नहीं करता। महिलाएं आगे आएं और अपने हित के लिए आवाज़ उठाएं। योजनाएं सिर्फ कागज़ में बनती है जो स्क्रीन में देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्रियान्वयन की ज़रूरत है। इधर कन्हैया कुमार ने एक नज़्म से बात की शुरुआत की और कहा कि तन्हाइयों से परेशान होकर हमने दुश्मन को ही हमसफर मान लिया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।